केडी सर का, थैंक यू केडी सर के आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे इस इवेंट में आकर। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और कैसे क्या कर सकता है ये हम सभी को जागृत करने का प्रयास किया। हम स्वागत करते हैं हमारे जबरदस्त लीडर। और मैं जब से मैंने ढिल्लो साहब से बात करनी शुरू की, यानी कि जब से मुझे पता लगा कि ढिल्लो साहब क्या है, तो एक चीज समझ में आई दोस्तों कि ही इज रियली ए ट्रू लीडर। एक जर्नी को जिया है और हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राउड फाउंडर को साथ लेकर, मिलाकर और मिलकर आगे चलने का संदेश हमेशा देखते आए हैं। और जब भी हमारी पर्सनल बात होती है तो मैं इसको और नजदीक से फील करता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज की वर्चुअल शेयरिंग में हमारे दिलो सर को, प्लीज सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी 100 फाउंडर आपका तहे दिल से जबरदस्त जबरदस्त जोश हरीश, आप में थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड बहुत खुशी हो रही है, सॉरी फॉर द डिले। मैं कहीं स्टक था कुछ काम में, तो वहां पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बट आप लोगों का जोश देखे, जिस गर्म जोशी के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है, इवेंट हो रहा है, विच इज अ ट्रीट टू वॉच। एंड जिस अच्छे, और मैं बीच बीच में थोड़ा यूट्यूब पे देख रहा था, बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग वहां एंजॉय करो, मेरा दिल कर रहा है वहां पे आने का, बट काफी दूर है। बट डेफिनेटली जरूर आगे भी आने वाले टाइम में जो भी प्रोग्राम होंगे मेरा, मुझे होगा कि हमेशा आप लोगों के बीच में रहूं। एंड हरीश, सो प्राउड ऑफ यू। और जितने भी हमारे आज फाउंडर वहां पे उपस्थित हैं, आई थिंक आप लोग इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हो, जो कि एक देखने वाली बात है, बेसिकली हमें सीखने वाली बात है कि काम ऐसे भी होते हैं। इंस्पिरेशन मिलती है हमें, एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे मिस्टर ऐश बोलते हैं हमेशा। एंड जब ऐसे इवेंट्स होते हैं, इंडिया में पहले भी बहुत सारे इवेंट हुए हैं, और उन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई होप कि ये इवेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, हमें आने वाले टाइम में कुछ सीखने को मिलेगा। इवेंट्स हमें कैसे करने हैं, हमारे लीडर्स को सीखने को मिलेगा, हर एक चीज से। हम हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है यहाँ पे, नथिंग लेस देन लर्निंग प्रोसेस है, तो वो हम सीखते रहेंगे। आप लोगों को यहाँ पे एक जो हम एक हमारा एक सिस्टम है ऑन पैसिव का, हम ये कह सकते हैं कि उसके थ्रू हम जब सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आई थिंक जो लेवल ऑफ कमिटमेंट हमारे सब में आ चुकी है, आई थिंक वो एक देखने वाली बात है। वो किसी एक कंट्री में नहीं है, आई थिंक सारी की सारी दुनिया में वो एक लेवल ऑफ कमिटमेंट आ चुकी है। हम सबको मालूम चल गया है कि ये क्या है। ऑन पैसिव एक रियल बिजनेस है, और उस बिजनेस को हमने कैसे आगे लेके जाना है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, ये एक शुरुआत हो रही है उस एक बड़ी चीज की, आई थिंक, जहां पे उसको हम लीड करने वाले हैं, सारी दुनिया को लीड करने वाले हैं, सबको हम लोग मिलके करने वाले हैं। एंड ऐसे जब इवेंट्स होंगे तो उनसे हम सीखेंगे। ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास इंडिया में, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स निकल के आ रहे हैं, जो कि उस लेवल के ऊपर उनकी थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सब लोग हमें इकट्ठे हैं, कोई मुझे नहीं लगता कि हम लोग कहीं एक दूसरे से बाहर हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को समझते हैं। कई बार छोटी मोटी बातें होती हैं, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, वो एक छोटी सी बात होती है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। वो एक इतने बड़े मिशन के आगे छोटी छोटी बातें जो होती हैं, वो आई थिंक हमारे दिमाग में घुसनी भी नहीं चाहिए, और हमें उन चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो चीज सुधारी जा सकती है। बट
जो ये मिशन है ऑन पैसिव का मिस्टर ऐश के द्वारा जो एक शुरू किया गया है और वो धीरे धीरे हमारे पास पहुंचा है, हम उसको लेके चलेंगे, सब मिलके चलेंगे, आगे लेके चलेंगे। हमारे पास बहुत लर्न्ड पर्सन्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। और उसके साथ जब आप इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है इंडिया, ये हमें खुद समझनी पड़ेगी, हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी, हमारे डिफरेंसेस दूर करके, जितने भी डिफरेंसेस वो दूर करके हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड इंडिया, जहाँ पे आप लोग बैठे हो। धरती वो है जहाँ पे, जो हिंदुस्तान का दिल है, दिल्ली राजधानी है इंडिया की। ओके, तो आप लोग वहां पे बैठे हुए हो, तो आप प्रण कीजिए आज कि हम उस एक जो जो इतनी बड़ी मार्केट है, जो हम क्योंकि हम लोग इंटरनेट से डील कर रहे हैं और इंटरनेट मार्केट प्लेस ही है सारी की सारी, अगर हम ये बात मान लें, तो उस मार्केट प्लेस का आप इतना बड़ा हिस्सा हो इंडिया कि शायद ये आपको खुद भी रियलाइज नहीं है वहां पे बैठे हुए को कि आप उस ट्रैफिक जो है, बेसिकली जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं इंटरनेट की, उस ट्रैफिक का आप इतना बड़ा सोर्स हो इंडिया, तो उस सोर्स को कैसे यहाँ पे आपने लेके आना है, एक दूसरे के साथ मिलके कैसे इंस्पायर करके बाकी लोगों को भी यहाँ पे लेके आना है, वो उसको उसके बारे में सोचा कीजिए। वी आर ऑल सेट टू लॉन्च, एक प्रोसेस चल रहा है, आने वाले 20-25 दिनों में, 30 दिनों में आपको कुछ और ही नया दिखने वाला है यहाँ पे। मिस्टर ऐश पूरी तरह कमिटेड हैं यहाँ पे, उनका एक एक पल कमिटेड है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज भी आया था, मेरी बात चल रही थी यहाँ पे, शायद वो आ सकते हैं अगर उनका टाइम परमिट करता है, बिकॉज ईस्टर्न टाइम यहाँ से भी, मेरे यहाँ से भी 3 घंटे की और एडवांस में, अगर ये मेरे यहाँ पे अभी आई थिंक 11:30 बजे हुए रात के, तो वहां पे आई थिंक 3 घंटे और आ गए। ओके, तो मिडनाइट है वहां पे ईस्टर्न टाइम फ्लोरिडा में, तो होपफुली अगर वो आते हैं या वो मैसेज छोड़ते हैं हमें, तो होपफुली मैं हरीश को उसी टाइम कन्वे कर दूंगा, तो वो लोग आ सकते हैं, उनको मालूम है कि ये इवेंट हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बट मे बी सर्टन कमिटमेंट्स हैं उनकी, वहां पे बिजी होंगे, बट उन्होंने मैसेज जरूर किया कि मुझे टाइम लगा तो आई विल डेफिनेटली कम हियर, और आप लोगों को कोई वॉइस मैसेज या कुछ भी छोड़ेंगे, बट नेवरलेस हमारे सीईओ हैं, हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आए वेल गुड, बट उनको मालूम है कि ये फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो आ जाए, तो हम और भी 4 चांद लग जाएंगे फंक्शन को, हम ये कह सकते हैं। बट यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ देख के कि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे हैं, एंड डेफिनेटली गाइज कीप इट अप, ऐसे ही मोमेंटम बना के रखिए, क्योंकि हमें दुनिया को लीड करना है, हमने सबको, सबने मिलकर दुनिया को लीड करना है, और उस जो अनटैप्ड मार्केट है जो उसको हम लोग यहाँ पे लेके आने वाले हैं, और वो कमिटमेंट है हमारी एक दूसरे के साथ भी है, और हमें सबको बहुत काम करना है, अभी जस्ट शुरुआत हो रही है। ये कमिटमेंट हमने बॉस्टन में भी की थी ऐश के साथ कि हमें बहुत काम करना है, और ये कमिटमेंट हम फिर कर रहे हैं आज। हम लोग अपने वेबिनार्स में तो करते रहते हैं, बट ऐसे फिजिकल इवेंट्स में हम कमिटमेंट भी करेंगे यस, कि हमें यहाँ से एक नया, एक और चीजों को लेके चलना है, और उसके लिए हमें दिन रात मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, और उस बिगनिंग को हम सब साथ में लेके चलेंगे, ईगोस को हम दूर भगा दो, वो सेकेंडरी चीज है, वो छोटी मोटी बातें हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी, बट ये जो मिशन है ऑन पैसिव का, इसको हम उसी लेवल पे लेके जाएंगे, सब इकट्ठा साथ करेंगे। सो एंजॉय योर मील्स, एंजॉय करो आप सारे के सारे प्रोग्राम को, एंड हरीश कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, प्लस जो आपकी सारी टीम है जो मैनेज कर रही है सारे फंक्शन को, प्लस जो जितने भी फाउंडर्स हैं हमारे वहां पे उपस्थित हैं, थैंक यू गाइज वेरी मच फॉर कमिंग हियर, और उस लेवल के ऊपर आप वहां पे हो, एंड वी आर सो सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड, सारा हिंदुस्तान ब्लेस्ड है आपको, थैंक यू वेरी मच, दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर कि आपने इस इवेंट में जो शिरकत दी है और जो अपना आशीर्वाद दिया है और जो सहयोग दिया है, मैं सभी लीडर्स का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, थैंक यू, लव यू सर, लव यू सो मच।